इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके अर्ज़ करने लगा, या अली, इंसान का वो कौन सा अमल है जिस अमल से घर की तरफ बरकत और रिस्क के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस घर में घर की औरतें रोती हैं, अपने मर्दों के आमाल की वजह से दुखी होती हैं, तो अल्लाह उस घर की तरफ रिस्क व बरकत के दरवाज़े बंद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ने औलाद को मर्द के लिए और दौलत को औरत के नसीब में रखा। याद रखना, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिस्क व बरकत और खुशहाली मुसलसल कायम रहे, तो अपनी औरतों पर जुल्म ना करो, उनके हकूक़ पामाल ना करो, क्योंकि जिस घर में औरतें अपने मर्दों के लिए दुआ करती हैं, तो उन मर्दों की कामयाबियों के रास्ते अल्लाह के ख़ास फरिश्ते बनाते हैं और यूँ उसके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में औरतें अपने मर्दों की वजह से रोती हैं, तो चाहे वो मर्द कितनी भी मेहनत कर ले, वो अपने कामों में मुश्किलात और रिस्क में तंगी पाते हैं।